हिम तेंदुए अक्सर याक का शिकार करते रहते हैं। ये हिम तेंदुआ एक याक के बच्चे का शिकार करके उसे थोड़ा खाकर आराम करने चला जाता है, लेकिन मुफ्त का हिस्सा लेने वालों की यहाँ भी कोई कमी नहीं है। मतलब कुछ भेड़िए और पक्षी इसके शिकार को खाने लगते हैं, मगर हिम तेंदुआ जैसे ही ये नजारा देखता है तो वो इन्हें भगा देता है और इसे पता चल जाता है अपने शिकार को अकेले छोड़ना सही नहीं है, इसलिए ये इसे खुद ही खाने लगता है। लेकिन मांसाहारी पक्षी का ये झुंड इसे चैन से खाने नहीं देता और आखिरकार परेशान तेंदुआ यहाँ से चला जाता है। फिर पक्षियों का झुंड इसे चैन से खाने लगता है। हिम तेंदुओं की ऊंचाई 2 फीट तक, लंबाई 3 से 4 फीट तक होती है और इनका वजन 27 से 54 किलो तक होता है। इन बर्फीली और ठंडी पहाड़ियों में रहने वाले जानवरों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। यहाँ जिंदा रहने के लिए इन्हें हर दिन कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इन आइबेक्स का झुंड यहाँ की बर्फीली पहाड़ियों में थोड़ी बहुत दिख रही सूखी घास से अपना पेट भरता है, लेकिन हिम तेंदुओं की नजर हमेशा इन पे बनी रहती है और ये हिम तेंदुआ इन आइबेक्स को मारने के लिए इनका पीछा करता है और आखिरकार एक आइबेक्स इसके हाथ लग ही जाता है। इन इलाकों में इतनी बर्फ होती है कि हिम तेंदुओं का आधा शरीर इसमें धस जाता है, जिस वजह से इनके लिए यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हिम तेंदुए कई जानवरों का शिकार कर ही लेते हैं। इस हिम तेंदुए को इसका शिकार दिख जाता है, फिर होती है इन पहाड़ों में जीने मरने की दौड़। हिम तेंदुए लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इस रफ्तार की मदद से ये अपने शिकार को पकड़ लेता है। लेकिन ये दोनों इस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, मगर फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता और थोड़ी देर तक पहाड़ से गिरते रहने के बाद हिम तेंदुआ अपने शिकार को मार डालता है। इन पहाड़ियों में याक चल रहे होते हैं, लेकिन इन पे शिकारी की नजर बनी हुई है और एक बेचारा याक इसका शिकार बन ही जाता है। मगर कुछ दिन इसे खाने के बाद ये यहाँ से चला जाता है और बचा कुचा खाने के लिए कुछ पक्षी भी आ जाते हैं। ये पक्षी इस याक की हड्डियाँ भी खा जाते हैं और कुछ दिनों के बाद ये भूखा कुत्ता भी हड्डियाँ खाने के लिए आ जाता है। वैसे तो ये कुत्ते हमेशा मांसाहारी जानवरों से याक की सुरक्षा करते हैं, लेकिन अगर हड्डियाँ मुफ्त में मिले तो इन्हें कैसे छोड़ सकता है। कुत्तों का ये झुंड इन पहाड़ियों में हमेशा घूमता रहता है और इन्हें जो कुछ भी यहाँ खाने के लिए मिलता है उसे खाने से पीछे नहीं हटते और हिम तेंदुओं को भी इन कुत्तों का झुंड अपने इलाके से भगा देता है। याक को मारकर जैसे ही ये माँ बच्चे खा रहे होते हैं तभी आसपास गिद्ध घूमने लगते हैं और 2 कुत्ते भी आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे समझदार हैं। खतरा महसूस होते ही उस स्थान पे चले जाते हैं जहाँ कुत्ते नहीं आ सकते। इनकी माँ इन कुत्तों को भगाने के लिए अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन अड़ियल कुत्ते नहीं जाते और आखिरकार ये माँ अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगर कुत्ते इन बच्चों को देख लेते तो शायद इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती और अब ये बच्चे अपनी माँ के साथ ही शिकार करना और इन बर्फीली पहाड़ियों में जीवन जीना सीखेंगे। इन बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाले सभी जानवरों का शरीर यहाँ रहने लायक बन चुका है। इनके शरीर में घने बाल होते हैं और हिम तेंदुए कई चुनौतियों का सामना करने के बाद लगभग 10 से 13 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं।